कि हम लोग डायरेक्टली इजिप्ट के लिए पैसे को थ्रू इंडिया से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो पे हम देखेंगे आईएमपी कैसे इंजेक्शन दिया जाता है। बेसिकली हम लोग आईएमपी चार जगह पे इंजेक्शन देता है, चार साइड पे। पहला है डेल्टॉइड मसल, नेक्स्ट डोर्सो ग्लूटियल मसल एंड नेक्स्ट वेंट्रो ग्लूटियल मसल, और उसके बाद हम लोग वेस्टर्न लेटरलिस मसल पे इंजेक्शन दिया जाता है। तो इसी वीडियो पे हम लोग देखेंगे डेल्टॉइड एंड डोर्सो ग्लूटियल मसल पे कैसे इंजेक्शन दिया जाता है। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली आई एम इंजेक्शन देने के टाइम पे हम लोग ये सामान चाहिए। तो यहाँ पे सीरेंस हम लोग का, यहाँ पे कॉटन स्वेब और यहाँ पे मेडिसिन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस जो मेडिसिन दिया है। यहाँ पे हम लोग का ग्लव्स है और यहाँ पे एल्कोहल स्वेब है, और अगर एल्कोहल स्वेब नहीं है तो हम लोग स्टराइल से भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, हमने यहाँ पे क्या क्या आर्टिकल चाहिए हम लोग ने देख लिया। अभी किसी भी पेशेंट को हम लोग आई एम इंजेक्शन देने के टाइम पे सबसे पहले एस बार नर्सिंग प्रोसेस है, तो पेशेंट को प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन करना है। ये नहीं कि हम लोग डायरेक्टली इंजेक्शन लिए पैसे को दूस दिया, ऐसा करते हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग हॉस्पिटल पर जाके देखते हैं कि इंजेक्शन लेके डाल दिया, कुछ भी नहीं बोलते। तो किसी एक दो नर्सेस की वजह से पूरा नर्सेस कम्युनिटी क्या है, खराब है। लेकिन आप लोग को ऐसा नहीं करना है। तो कोई भी प्रोसेस करने से क्या करना है, पेशेंट को उसी प्रोसेस के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। तो अभी कौन एक्सप्लेन करोगे पेशेंट को, एक्सप्लेन करो। अभी हमारा पेशेंट बिल्कुल रेडी है इंजेक्शन लेने के लिए। ओके, आई एम इंजेक्शन का सही सर हम लोग अभी देखेंगे। ये देखो, ये हमारा क्या होता है, बिल्कुल हमारा डेल्टॉइड मसल होता है, ठीक है। यहाँ पे डेल्टॉइड मसल होता है। तो हम लोग का डेल्टॉइड इंजेक्शन देने के लिए सही साइड क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक्रोमियम प्रोसेस होता है, ठीक है। एक्रोमियम प्रोसेस से हम लोग क्या होता है, थ्री फिंगर, हम लोग ऐसे थ्री फिंगर लेना है। थ्री फिंगर करके यहाँ पे जो डाउन तक होता है खत्म होता है ना, थ्री फिंगर खत्म होते हैं, यहाँ पे क्या होता है हमारा इंजेक्शन साइड होता है, सही प्लेसमेंट। और आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्रोमियम प्रोसेस होता है, प्रोसेस से थोड़ा नीचे से शोल्डर से टू फिंगर ऐसे करके यहाँ पे ट्राइंगल बना के, यहाँ पे जो मिडल पे फिंगर होता है, बीच में से हम लोग क्या होता है, सही इंजेक्शन साइड होता है इसी जगह पे, देख सकते हो यहाँ पे। ओके ओके, डेल्टॉइड मसल का सही साइड हमने अच्छे से देख लिया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मेडिसिन को लूप करेंगे। लेकिन और एक डाउट होता है क्या, डेल्टॉइड मसल और डोर्सो ग्लूटियल मसल, हम लोग कब डेल्टॉइड मसल पे इंजेक्शन दे रहे हैं और कब डोर्सो ग्लूटियल मसल पे इंजेक्शन दे रहे हैं, सभी लोग का डाउट होता है। जब ये हमारा इंजेक्शन यहाँ पे 1 or 2 ml होता है तो हम लोग हमेशा डेल्टॉइड मसल पे प्रिफर करते हैं। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, डोर्सो ग्लूटियल मसल पे देते हैं, क्योंकि हमारा डेल्टॉइड मसल जो होता है यहाँ पे मसल मास बहुत कम होता है कंपेयर टू डोर्सो ग्लूटियल मसल। इसलिए हम लोग जब भी ज़्यादा ml होता है इंजेक्शन, तो हम लोग डोर्सो ग्लूटियल मसल पे इंजेक्शन दिया जाता है। ओके, अभी हम लोग इंजेक्शन को लूप करना है। लूप करने के टाइम पे यहाँ पे देख सकते हो बाउल होता है, इसी बाउल क्या करना है, हम लोग क्लीन करना है। कैसे, यहाँ पे जो जगह पे होता है उसी जगह पे थोड़ा ऊपर करना है, थोड़ा ऊपर करके हम लोग ऐसे करने से ये बाउल अपने आप चला जाएगा। यहाँ पे थोड़ा पुश करना होता है, वो यार जो होता है उसको पुश करना पड़ता है, नहीं तो अंदर जाके क्या होता है, इन्फेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी चीज़ का हम लोग ध्यान देना है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करना है, एल्कोहल स्वेब को लेना है। एल्कोहल स्वेब को सर्कली राउंड करना है, इनर सरफेस से आउटर सरफेस तक, ठीक ऐसे एक बार करना है, ठीक है ना। तो हम लोग बार बार उसी जगह पे ऐसे रैपते 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 नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि वही जगह पे वायरस फिर से जम जाता है। हम लोग क्या करना है, डायरेक्टली इनर सरफेस से आउटर सरफेस तक सर्कली राउंड करके एक बार ऐसे करके हो गया। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे थ्री फिंगर लिया, थ्री फिंगर से ठीक डाउन करके क्या होता है हमारा डेल्टॉइड मसल होता है, सही इंजेक्शन साइड होता है। तो अगर पेशेंट का मसल मास बहुत कम होता है तो हम लोग थोड़ा ऐसा पिंच करके यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग पुश करेंगे, ठीक है ना हमारा। लेकिन पेशेंट का मसल मास ठीक ठाक ही है। ओके, इंजेक्शन देने के टाइम पे हम लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं देना है, ऐसा पुश करने पर क्या होता है, यहाँ पे पूरा हमारा स्किन होता है, ठीक है ना। हम लोग तो यहाँ पे दे रहे हो इंजेक्शन, मसल पे इंजेक्शन दे रहे हो, तो मसल पे इंजेक्शन देने के टाइम पे क्या, स्किन पे थोड़ा रह जाएगा, उसके बाद साफ को इतने पे थोड़ा रह जाएगा। तो इसलिए हम लोग बिल्कुल भी ऐसा इंजेक्शन नहीं करना है। हम लोग इंजेक्शन देने पे हमेशा ऐसा हमारा क्या होता है, पोजिशन होना चाहिए, ठीक है ना। इंजेक्शन देने के टाइम पे जो काट एरिया होता है यहाँ पे देख सकते हो, वो हमेशा ऊपर की तरफ सामने रखना है हमें, तभी हम लोगों का सही इंजेक्शन टेक्निक होता है। यहाँ पे देख सकते हो जो काट एरिया होता है। तो इंजेक्शन देने के टाइम पे हम लोग 90 डिग्री एंगल से हम लोग देना है। यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी क्लीन कर चुका है, यहाँ पे पोजिशन भी देख लिया है। तो हम लोग धीरे से ऐसे एंगल से हम लोग यहाँ पे देना है, ठीक है। देने के बाद हम लोग क्या करना है, पीछे से थोड़ा ऐसे खींच के देखना है।
अगर बाउल आ जाए यहाँ पे देख सकते हो, अगर बाउल आ जाए तो सही जगह पे प्लेस हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग धीरे पुश करके यहाँ पे देना है धीरे से, ठीक है। उसके बाद हम लोग कॉटन लेके इसी जगह पे रख के यहाँ पे जो देख सकते हो करना है। डेल्टोरी मसल पे कैसे इंजेक्शन दिया जाता है उसका अच्छे से स्टेप बाय स्टेप देख लिया। एंड अभी हम लोग देखेंगे डोर्सो ग्लूटियल मसल पे कैसे इंजेक्शन दिया जाता है, तो चलिए वीडियो को देखते हैं। डोर्सो ग्लूटियल मसल पे इंजेक्शन देने के टाइम पे हमेशा क्या करना है, हम लोगों को सबसे पहले पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करना है, ठीक है ना। अगर डोर ओपन है तो डोर को क्लोज करना है, अगर विंडो ओपन है तो विंडो को क्लोज करना है, क्योंकि पेशेंट को ऐसा लगना चाहिए कि वो सेफ्टी है, किसी और उसको नहीं देख रहा, ठीक है ना। ताकि पेशेंट को भी क्या हुआ, अनकम्फर्ट फील होगा वो, ताकि किसी भी जगह पे ना जी सके, ठीक है ना। तो हमने क्या होता है, पेशेंट को ऑलरेडी प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन कर दिया एंड हमने पेशेंट को प्राइवेसी भी मेंटेन कर लिया। तो अभी हम लोग देखेंगे इंजेक्शन साइट एंड कैसे देना है। डोर्सो ग्लूटियल मसल साइड कहाँ पे होता है हम लोग अभी देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, इलियक क्रेस होता है, ठीक है। यहाँ पे इलियक क्रेस होता है और यहाँ पे क्या होता है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होता है, और इस साइड पे क्या होता है, हमारा पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो इलियक स्पाइन होता है उस स्पाइन से भी हम लोग थोड़ा क्रॉस करके इसी साइड पे देता है, ठीक है ना। और दूसरा जो तरीका होता है वो सबसे आसान होता है, हम लोग जो पेशेंट का जो बटाक होता है, ठीक है ना, बटाक को हम लोग इमेजिनरी फोर पार्ट पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जैसे समझने के लिए यहाँ पे फोर पार्ट पे डिवाइड किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, फोर पार्ट पे डिवाइड किया बटाक साइड को, ठीक है ना। लेकिन पेशेंट के बतक पे हम लोग ऐसा ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। हम लोग क्या करना है कि इमेजिनरी लाइन बनाना है, ठीक है। ओके, बनाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा जो इस साइड पे होता है उस पे अपर आउटर साइड, यहाँ पे जो अपर आउटर साइड होता है, अपर आउटर साइड पे लेने का सही साइड होता है। तो हमने क्या करना है, पेशेंट का एल्कोहल स्वैप से हम लोग फिर से इनर लेयर से आउटर लेयर तक हम लोग ने सर्कल राउंड को वन टाइम क्लीन करना है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या करना है, इंजेक्शन को लेना है। इंजेक्शन के लेने के बाद ठीक वही तरह करते हम लोग, यहाँ पर जो होता है फोर पार्ट पे हमने डिवाइड किया, डिवाइड करके इसी साइड पे जो होता है वो यहाँ पे अपर आउटर साइड जो होता है यहाँ पे देख सकते हो, इसी जगह पे हम लोग ने धीरे से करके पुश करके यहाँ पे जो काट होता है ना इंजेक्शन के अंदर, वो काट सब हमेशा ऊपर की तरफ रहना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे पुश करके धीरे से प्रेस करके उसके बाद हम लोगों ने क्या करना लेना है, कॉटन लेके डायरेक्टली यहाँ पे क्लीन करके हम लोग देना है, या तो वन टू थ्री ऐसे करके हम लोग छोड़ देना है। हम लोग ऐसे रफ्ते रफ्ते करके नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो इसी वीडियो पे हमने ऑलरेडी देख लिया डेल्टॉइड एंड डोर्सो ग्लूटियल मसल पे कैसे इंजेक्शन दिया जाता है। तो इसी वीडियो को लेके अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो कमेंट पे जरूर कमेंट करें, हम लोग ऑलवेज रिप्लाई देने के लिए रेडी है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी फायदेमंद हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें और हमें सपोर्ट करें नया नया वीडियो बनाने के। थैंक यू, आज का वीडियो यही तक है।